बातें सभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई, हर समस्या उठाई और हर हकीकत से आपको वाकिफ किया। मैं समझता हूँ ये उठाते ही ना उठाते पर आप स्वयं समझते हैं, आप खुद तोल के देखते हैं भाई कौन सी सरकार ने आपका भला किया, कौन सी ने नहीं किया, इस सरकार ने क्या किया। 9 साल से सरकार है आज बीजेपी जेजेपी की और पहले बीजेपी की हरियाणा में। और फरीदाबाद देखिए, फरीदाबाद शहर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था और ये सोच के बसाया था कि हरियाणा का नहीं देश का प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन होगा, दिल्ली के नज़दीक है, इसका पूरे इलाके का विकास होगा, फायदा होगा इसको। लेकिन जैसे जैसे समय चला बहुत तेज़ी से विकास हुआ, लेकिन एक बीच में ऐसा भी समय आया कि फरीदाबाद को लोग फकीराबाद के नाम से कहने लग गए थे, क्यों पिछड़ गया था ये। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया कि फरीदाबाद को फरीदाबाद बनाएं और इसको आगे लेके जाएं। जितनी बताई आपने, चाहे आप मेट्रो लगाओ, बाईपास लगाओ, मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं सब बताएं, हमारे समय में एक काम हुआ। मेरा एक सवाल है कि 9 साल है भाई, दूसरी पार्टी के भी कोई आदमी होंगे सुनते आते हैं, सभी से सवाल है भाई इस 9 साल में कोई एक काम बता सकते हैं फरीदाबाद में जिस सरकार ने किया? 1 इंच मेट्रो बढ़ाई हो, 1 पोल मेट्रो का लगाया हो और कोई ऐसा कार्य किया हो। तो ये फरीदाबाद आत्मन, और केवल फरीदाबाद नहीं, हमारे को दिल में इस बात की टीस है मेरे को कि केवल फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा, पूरा हरियाणा जो विकास में बहुत आगे था। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक प्रदेश था, नंबर एक। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये देश के आप आंकड़े निकाल देते हो। आज किस चीज में नंबर एक है हमारा प्रदेश हरियाणा? आज हमारा प्रदेश है बेरोजगारी में नंबर एक, हमारा प्रदेश है महंगाई में नंबर एक और अपराध में देश के ऊपरले 2-3 में पहुंच गया। रोज कोई ना कोई अपराध, फरीदाबाद आप कोई फिरौती मांग रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं कोई हो रहा है। और नौकरियों में आपको मालूम है नौकरी देने का तो इनका काम ही कोई नहीं, नौकरी हटाने का काम है। और खेल खिलाड़ियों में आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक हुआ, किस तरह सड़कों में खसेड़ी गई। आज जो खिलाड़ी आते ही हमारी जो नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, घर खिलाड़ी बाद में पहुंचता था, पहले पदक मिलता था, ताकि लोग हमारी जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ ना जाए, अपना आगे काम में लगे, कार्यों में लगे रहे। लेकिन अब वो उनका कोई पूछ नहीं तो हम नशे में, हमारी युवा पीढ़ी नशे में जा रही है। पहले पूरे देश में नशे के मामले में पंजाब था, लेकिन अब पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, 5-4 साल में नशे में हमारे कितने ही नौजवान मर चुके, सबसे ज्यादा देश में हरियाणा में सबसे ज्यादा नशे से मौतें हुई हैं, अकेले सिरसा जिले में कितने हुई हैं रिकॉर्ड देखो आप। तो कहाँ हैं, ना विकास है, ना नौकरी है, नई नई इसकी स्कीम लाते हैं, कभी कहेंगे परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी आईटी, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये क्या काम है भाई। और उसके जरिए क्या करेंगे, परिवार पहचान पत्र के जरिए तो राशन कार्ड काट देंगे, पेंशन कार्ड देंगे बुजुर्गों की, और ऐसे सारे काम, फसल मेरा ब्यौरा में जो है किसान का फसल खेत में पड़ी है खेत अनाज, लेकिन मंडी में नहीं ला सकता, इंतजार देख रहा है कब मेरा फसल आएगा। ऐसी परिस्थिति बना दी
हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बहुत तकलीफ होती है हमारे को जब आप स्वयं देख सकते हैं कहाँ क्या क्या किया हरियाणा में। आप अस्पतालों में चले जाओ तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूल में चले जाओ तो मास्टर नहीं है, दफ्तरों में चले जाओ तो कर्मचारी नहीं है। सरकार का क्या काम भाई? सरकार का काम होता है स्वास्थ्य अच्छा रहे लोगों का, शिक्षा अच्छी मिले और सारे काम हो। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं सब मामला उलट हो रहा है। फरीदाबाद में मैं हैरान हूँ। अभी मेरे अजीज विजय बता रहे थे मेरे को कि 9 साल से जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन कोई नया कॉलेज नहीं खुला है फरीदाबाद में, जबकि हमारे समय में आप मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये बनाने का काम किया इन्होंने कहा। तो ये इस प्रकार से फरीदाबाद शहर को 5 तरफ से टोल लगता है। टोल लगाओ, टोल लगाओ, टोल लगाओ। अरे टोल तो एक लगा लो, टोल तो लगा लो लेकिन काम तो कर लो। तो ये फरीदाबाद की स्थिति हो गई है आपकी। आपका जो मेट्रो जहां छोड़ के गए थे वहीं छोड़ दिया। तो सरकार ने किया किसका? किसान के लिए कहा कि 2022 तक हम जो है किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अरे किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा हो गई। खाद की कीमत, कीटनाशक दवाई की कीमत, डीजल की कीमत, पहले बोर्ड लगे होते थे। आप फरीदाबाद में जब दिल्ली से कोई आता था तो बोर्ड लगा हुआ था फरीदाबाद में कि हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल दिल्ली से सस्ता। आज क्या लगा हुआ है? दिल्ली के पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है कि दिल्ली में फरीदाबाद से हरियाणा से सस्ता डीजल। तो ये तो स्थिति हो गई, आमदनी तो दुगनी कहाँ से होगी। इसी प्रकार से गरीब आदमी का, जिनका हमने 100-100 गज के 3,82,000 प्लॉट दिए, वही सारा बैठा फरीदाबाद। एक आदमी बता दो इस सरकार ने किसी को, एक किसी गांव का नाम बता दो एक गज प्लॉट दिया हो। 100-100 गज के प्लॉट दिए हमने गरीब आदमी के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पहले स्कूल से, पहली जमात से शुरू करी। इन्होंने उस बंद करने का उसका काम किया। अब कहते हैं राशन की बात। हमारे समय में 35 किलो राशन मिलता था, जैसे बताया 1 रुपए, 7 मिट्टी का तेल, चीनी और चीजें मिलती थी। आज क्या मिलता भाई? आज तो एक और काम, अजीब सरकार, ऐसी सरकार नहीं देखी। आज क्या कह रहे हैं कि जो राशन कार्ड कटवाएगा, शिकायत लगाएगा, उसको 500 रुपए इनाम देंगे हम। ये इनकी पॉलिसी है। अभी परसों अखबार में पढ़ा था मैं। अरे बनाने का काम है, काटने का काम है। तो ये स्थिति है आपकी। क्या वायदा इन्होंने किया क्या नहीं किया मेरे को कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे को तकलीफ है कि हरियाणा फिसल गया अपनी जगह से। बेरोजगारी में फरीदाबाद सबसे ज्यादा नंबर एक है, हरियाणा नंबर एक है, हरियाणा में फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ की छोटी छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई। बेरोजगारी में सबसे ज्यादा यहाँ फरीदाबाद में हो, सारे आंकड़े देख रहा था। तो अब सवाल ये है आपके सामने, आपने इनका देख लिया, हमारा भी समय देख लिया, तोलना आपने, लेकिन एक बात है कि आपसे पूछ सकते हैं जब आप जाओगे कि भाई ये तो बात ठीक है लेकिन अब के कांग्रेस पार्टी आ गई तो ये क्या करेगी। तो मैं बता रहा हूं हम क्या करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी तो भाई सबसे पहला काम हम करेंगे अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे हम। और ये हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, इनको खाना पकाना पड़ता है। जो गैस का सिलेंडर हमारे समय में 400 रुपए का था, अब 1,150 रुपए का हो गया। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। कर्मचारी हैं, कर्मचारी रोज एजिटेशन कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए।
जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने अपने सरकारों में कर दिया। तो हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू होगी और एक पहले तो इन्होंने एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, जो हमने बिजली बनाई वो भी बस उसमें भी कमाने में लग गए और इसका नतीजा ये हुआ कि बिजली बहुत महंगी हो गई। गरीब आदमी जो बिजली का बिल ही कमर तोड़ देता है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। इसी प्रकार से जो 100-100 गज के प्लॉट थे वो जो स्कीम इन्होंने बंद कर दी वो फिर से शुरू करेंगे और गरीब आदमी के लिए मकानों का काम बनाने का काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये टोल का तमाशा जो हो रहा है फरीदाबाद, ये टोल भाई 5-5 टोल नहीं लगेंगे। हमारे 2005 में बना तो कई जगह लगा हुआ था, पहले से कुरुक्षेत्र में था, हमने दिया क्योंकि ठीक है जितना बर्दाश्त हो उसका उतना करो। इधर से आएगा उस पर भी टोल, इधर से आएगा उधर से भी टोल, उधर से जाएगा उस पर भी टोल, टोली टोल टोल है यहाँ पर। और मेट्रो मेट्रो जहाँ हम छोड़ के गए थे एक पोल नहीं लगाया। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आज कह रहा हूँ आपको, जो हमारी स्कीम थी पहले रोड बनाई फरीदाबाद और गुड़गांव की, और हमारी सरकार आएगी तो भाई ये मेट्रो आपकी पलवल तक और इधर गुड़गांव तक जाएगी, गुड़गांव तक जाएगी। तो आज आप सबके सामने है ये बातें। ये सरकार, इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो गया। आज सवेरे जब ये हो रहा था तो मैंने टेलीफोन किया ललित नागर जी को, हमारे साथी हैं इतनी मेहनत करते हैं यहाँ। मैंने कहा भाई क्या पोजीशन, 10:30 बजे तक तो बारिश हो रही थी यहाँ पे, फिर इनका आया कि आप आ जाओ जल्दी से भर गए। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे भर गए, अभी तो बारिश हो रही थी। लेकिन मैं यहाँ आया तो खचाखच मेरा, इतनी बारिश में सर्दी में ये इतनी लोग आए हैं तो ये क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संकेत है भाई। वो देखी मैंने, मतलब देखा ना, अग्नि परीक्षा भी देख ली हमने भाई, रैलियां करी, अगली परीक्षा भी देखी, खूब गर्मी में भी देखी हमने, सर्दी में भी देखी, ये बारिश परीक्षा यहाँ देख ली है हमने। तो जब ये लोग इस परीक्षा में जा रहे हैं तो क्या संकेत है, ये एक साफ संकेत है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। ये 7-8 से संकेत या संदेश लेके जा रहा हूं और फरीदाबाद से आवाज उठी है पूरे प्रदेश में जाएगी। अरे हमारे यहाँ आपके हलके में कितना काम किया इन्होंने ललित नागर जी, कितना करवाया हमारे से। और जब ये विधायक थे विपक्ष में थे, मैं भी विपक्ष में था, रोज रोज वहां पे खड़े रहते थे विधानसभा में। ऐसे कर्मठ आदमी अगर यहाँ विधायक होते तो अब के हमारे साथ और मजबूती से रहते, क्या पता सरकार बन जाती आप फरीदाबाद करते। तो भाई ऐसे तो बहुत मजबूत साथी आपके यहाँ पे, और आज तो आप आए हैं, मैं आपका आभारी हूँ इस मौसम में जिस प्रकार से आए हैं। ये साफ संकेत दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप सब